नमस्कार, योजना की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शेजवान नूडल्स, जो कि बहुत इजी है लेकिन बहुत यम्मी है। और इसके लिए हमें पहले शेजवान सॉस तैयार करनी पड़ेगी और उसके बाद हम शेजवान नूडल्स बनाएंगे। तो चलिए हम पहले शेजवान सॉस के इंग्रेडिएंट्स देख लें। ये करीब 15 कलियां लहसुन की हैं, जिनको कि मैंने ग्रेट किया हुआ है। 1 टेबलस्पून ग्रेटेड अदरक। ये हमने सूखी हुई साबुत लाल मिर्च ली है करीब 14-15, जिनको कि हमने आधा घंटा पानी में भिगोया हुआ है। 3 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल, आप कोई भी वेजिटेबल ऑयल भी ले सकते हैं। 1 टीस्पून सोया सॉस। 3 टेबलस्पून टोमेटो केचप। 2 टेबलस्पून वाइट विनेगर। 1 टीस्पून नमक। शेजवान सॉस के इंग्रेडिएंट्स के बाद चलिए हम नूडल्स पे आते हैं। तो ये हमने एक बोल भर के नूडल्स बॉईल किए हुए हैं। नूडल्स में डालने के लिए मैंने कुछ वेजिटेबल्स काटी हुई हैं। तो ये एक शिमला मिर्च है जिसको मैंने लंबा पतला काटा हुआ है। ये एक गाजर है जिसको कि मैंने पतला लंबा काटा हुआ है। ये 7-8 फ्रेंच बीन्स हैं जिनको कि हमने लंबा काटा हुआ है। शेजवान सॉस बनाने के लिए सबसे पहले जो हमने साबुत लाल मिर्च भिगोई थी उनको हम पहले पीसेंगे। इन्हें मैं मिक्सी में पीसने जा रही हूँ। सूखी लाल मिर्च पीसने के बाद उसका पेस्ट कुछ ऐसा दिखेगा। शेजवान सॉस बनाने के लिए मैंने पैन गैस पे चढ़ा दिया है। अब इसमें सबसे पहले मैं ऑयल डालूंगी। इसमें ऑयल थोड़ा ज़्यादा पड़ता है क्योंकि यही इस सॉस को प्रिजर्व करने के लिए ठीक रहता है। आप इस सॉस को कम से कम 14-15 दिन तक फ्रिज में बना के रख सकते हैं। ऑयल थोड़ा गर्म हो गया है, इसमें मैं ये गार्लिक डालूंगी और साथ में अदरक भी डाल देंगे और थोड़ा सा इसको भूनेंगे। हमारा अदरक लहसुन थोड़ा भुन गया है, अब इसमें मैं ये मिर्च का पेस्ट डालूंगी और इसे फिर थोड़ा सा भुनेंगे। अभी देखिए थोड़ी सी भुन गई है मिर्ची। अब मैं इसमें ज़रा सा पानी डाल के 2 मिनट के लिए इसको ढक के छोड़ दूंगी, जिससे कि मिर्ची का पेस्ट थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। देखिए मिर्ची का पेस्ट थोड़ा सॉफ्ट हो गया है और काफ़ी पक चुका है। अब इसमें एक एक करके मैं सारे सॉसेस डालूंगी। सोया सॉस, टोमेटो सॉस, अब मैं नमक डाल देती हूँ और थोड़ा सा इसको मिक्स करने के बाद और थोड़ा सा पकाने के बाद फिर हम इसमें लास्ट में विनेगर डालेंगे। अब ये देखिए सॉस अच्छी तरह पक चुकी है। अब इसमें बस लास्ट में मैं विनेगर डाल के और मिला के और गैस बंद कर देती हूँ और थोड़ा सा चला के, और फिर हमारी ये शेजवान सॉस तैयार है। अब हम थोड़ा सा नूडल्स के लिए जो मैंने शुरू में वेजिटेबल्स काटी थी उनको थोड़ा सा स्टर फ्राई कर लेते हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा मैं ऑयल डालूंगी। बस इसमें थोड़ा ही ऑयल डालेंगे क्योंकि सॉस में काफ़ी ऑयल होता है। ये एक प्याज है जिसे कि मैंने पतला लंबा काटा हुआ है। अब तेल हमारा गर्म हो चुका है तो इसमें मैं अब प्याज डाल रही हूँ। तो थोड़ा सा भूनते ही फिर हम इसमें गाजर डालेंगे। तो हमारी प्याज देखिए थोड़ी हल्की ब्राउन हो गई है, अब इसमें मैं गाजर डाल रही हूँ और ये बीन्स भी साथ में डाल रही हूँ। अब इसको हम थोड़ी देर भूनेंगे। ये गाजर और बीन्स हमारी थोड़ी सी गल चुकी है, अब इसमें मैं शिमला मिर्च डाल रही हूँ। ये बिल्कुल गलानी तो है ही नहीं, हमें थोड़ी क्रंची रखनी है, तो थोड़ी देर इसको और भुनेंगे। अब हमारी ये वेजिटेबल्स काफ़ी क्रंची भुन चुकी हैं, अब मैं इसमें नूडल्स डाल के थोड़ी देर नूडल्स को भुनूंगी। नूडल्स डाल देते हैं इसमें और इसमें 1 चम्मच नमक स्प्रिंकल कर देते हैं। इसको थोड़ा सा चलाने के बाद बस फिर इसमें हम शेजवान सॉस मिलाएंगे। अभी नूडल्स थोड़ा सा हमारा सब्जी के साथ भुन चुके हैं, अब मैं गैस बंद कर देती हूँ और फिर हम अब शेजवान सॉस मिलाएंगे। मैं शेजवान सॉस धीरे धीरे डालूंगी। इसे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा तीखा नहीं चाहिए तो शेजवान सॉस थोड़ी कम डालिए। अब देखिए थोड़ी और शेजवान सॉस इसमें मिला रही हूँ और इसको फिर से हम अच्छे से मिलाएंगे। अब ये शेजवान नूडल्स बिल्कुल तैयार हैं और हमने इसकी प्लेटिंग कर दी है।
अब आप इन शेजवान नूडल्स को बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए।